हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं अभी न्यूक्लियोफिलिक सबडिवीजन रिएक्शन के मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं। पहला वीडियो अपलोड कर दिया हूं, सेकंड वीडियो देखो। मैं फटाफट ये बातें बताऊंगा क्योंकि जेई मेन और नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक। बहुत डिटेल में अगर किसी को देखना हो तो उसका अलग से वीडियो है, इसको आप देखिए। अब तक मैं बताया था कि SN1 SN2 मैकेनिज्म जो होता है उसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, और सबस्ट्रेट के बेसिस पे SN1 SN2 कैसे डिसाइड होगा, और मोर देन वन सबस्ट्रेट में SN2 का रेट क्या होगा, मोर देन वन सबस्ट्रेट में SN1 का रेट क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे SN1 SN2 मैकेनिज्म का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्या है। तो देखो जी, SN2 मैकेनिज्म के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हमारा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन फिक्स है। SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है और फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी के जो डिफरेंस होता है वह कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी के जो डिफरेंस होता है वह कहलाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग SN1 मैकेनिज्म में आते हैं। SN1 मैकेनिज्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यह होगा, क्यों? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब भी होता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के आगे और पीछे मीन्स कंसेक्यूटिव दो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। बिना ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन बिना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के पॉसिबल है, जैसे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली रिएक्टेंट का ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्शन होता है और ट्रांजिशन स्टेट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन होता है। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैं आपको बताया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अब उस चीज़ को ग्राफिकली मैं शो कर रहा हूँ। जब भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, हमेशा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। दोनों का फॉर्मूला फिक्स है, मीन्स टू कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में ही एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। बिना ट्रांजिशन स्टेट के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के रिएक्शंस में जहाँ पे मोर देन वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट का पीक सबसे ज़्यादा रहता है, जिस ट्रांजिशन स्टेट का पीक हाइएस्ट होता है, उसी वही ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन दिया हो जिसमें इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का रिएक्टेंट ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इस तरह से दिया हो, तो इस केसेस में जो पीक है, जो सबसे बड़ा हाइट का है रिएक्टेंट और इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वह एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। आप इस चीज़ को दिमाग में रखना, ये केमिकल काइनेटिक्स का भी क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पर मैं SN1 मैकेनिज्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे कैसे हुआ होगा। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ये कार्बोकैटायन है। अब ये कार्बोकैटायन कैसे बना होगा, हमारा रिएक्टेंट यह है, सबस्ट्रेट यह है RCH2L। फर्स्ट स्टेप पहले क्या हुआ होगा कि लिविंग ग्रुप यहाँ से लिव किया होगा, तो लिविंग ग्रुप डायरेक्टली नहीं लिव करता है, पहले एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट आया होगा जहाँ पे 50% कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। तो कार्बन लिविंग ग्रुप के 50% बॉन्ड के जो ब्रोकन को जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन स्टेट, यह ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हुआ, मींस यह हमारा ट्रांजिशन स्टेट TS हुआ, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हुआ, फिर फाइनली कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगला स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे और उससे कनेक्ट होगा,
कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड डायरेक्टली फॉर्म नहीं होगा, मीन्स न्यूक्लियोफाइल कार्बन से कनेक्ट होगा तो एक मोमेंट आएगा जब 50% कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म्ड रहेगा, उस मोमेंट को बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड 50% फॉर्म्ड है। अगर ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का निगेटिव खत्म हो जाएगा और इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड 50% फॉर्म्ड है इसलिए कार्बन पे डेल पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल पे डेल निगेटिव है। तो यह हुआ ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, और फाइनली न्यूक्लियोफाइल कार्बन से कनेक्ट हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 mechanism and this is graphical representation of SN2 mechanism, okay? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्वेंट का इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट जो अब तक मैं बताया हूँ उसमें सब्सट्रेट के बेसिस में बता चुका हूँ कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में मैकेनिज्म ऑलवेज SN1 होगा, मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में मैकेनिज्म SN2 होगा। हाँ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन पे अगर ब्रांचिंग होगा तो फिर SN1 हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में मैकेनिज्म SN1 SN2 दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे शुरू होता है सॉल्वेंट का रोल, रोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को न्यूक्लियोफिलिक सबड्यूसर रिएक्शन में जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि आयोनिक रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अपने पोलर सॉल्वेंट को, जो हमारा पोलर सॉल्वेंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा है पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट और ए प्रोटिक सॉल्वेंट भी इसको बोलते हैं। पोलर प्रोटिक कौन हुआ, मीन्स वह सॉल्वेंट जो H+ दे सके, सॉल्वेंट विच हैज एसिडिक हाइड्रोजन, जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा जो H+ दे सकता है वो सब के सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल वाटर H+ दे सकता है, अल्कोहल, फिनॉल, एसिड, ये सब के सब हमारा ETC दे आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सब के सब पोलर भी है और सबके पास कैपेबिलिटी है H+ देने का, बिकॉज ऑल हैव एसिडिक हाइड्रोजन। अब पोलर नॉन प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होता है, तो पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट का मीन्स ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर तो है लेकिन उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल हमारा होगा एसीटोन एक बहुत ही रिनाउंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एसीटोन में कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है, मीन्स पोलर बॉन्ड है, सो मोलिकुल पोलर है, बट एसीटोन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई इट इज पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। एसीटोन के अलावा हमारा होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इसके दोनों हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर मिथाइल लगा देते हैं, ये होता है DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF हुआ, ये भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है या ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके बाद है DMSO डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO, तीसरा है डाइमिथाइल एसीटामाइड, एसीटामाइड के दोनों नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया गया, डाइमिथाइल एसीटामाइड DMA, दीज आर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इन लोग का रोल देखते हैं क्या करता है कौन। तो आप सब डायरेक्ट याद रखो कि SN1 मैकेनिज्म जो हमारा होता है, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और साथ में
जो लिविंग ग्रुप लीव करता है भी एनायन के फॉर्म में रहता है। ये हमारा आरडीएस होता है SN1 मैकेनिज्म है। सेकेंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है और आकर के कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास कैपेबिलिटी है कार्बोकटायन और इस लिविंग ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज करने का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है कि इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करता है। जैसे वाटर अगर पोलर प्रोटिक के तौर पर लिया जाए तो वाटर के पास निगेटिव पॉजिटिव दोनों एंड है, तो वाटर अपने निगेटिव एंड ऑक्सीजन से इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर देता है, चारों तरफ से एक तरह से इसको क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है वाटर मोलेकुल, और इस तरीका से हमारा कार्बोकटायन हाईली सॉल्वेट हो जाता है। मीन सॉल्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन। सॉल्वेंट का किसी आयन से अट्रैक्शन को सॉल्वेशन बोलते हैं, अगर वो सॉल्वेंट वाटर हो तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे कार्बोकटायन को SN1 मैकेनिज्म के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकटायन को सॉल्वेट कर देता है, और इन द केस ऑफ वाटर हाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और सेकेंडली ये जो लिविंग ग्रुप है इससे भी खतरा है, कार्बोकटायन फॉर्म होने के बाद लिविंग ग्रुप फिर से कार्बोकटायन पर अटैक करके कनेक्ट हो सकता है उससे। तो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस लिविंग ग्रुप से एच बॉन्ड फॉर्म करके, एच बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, एच बॉन्ड फॉर्म करके इसको स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है और फिर SN1 मैकेनिज्म का रेट बहुत बढ़ जाता है। मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करके, लिविंग ग्रुप को सेपरेटली स्टेबलाइज करके न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का मौका देता है, और इस तरीका से SN1 मैकेनिज्म का रेट बढ़ा देता है। तो क्लियर हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म के रेट को सपोर्ट करेगा। मीन्स SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। क्लियर हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, तो जस्ट इसके उलट, ये तो हुआ SN1 मैकेनिज्म की कहानी, जस्ट इसका उल्टा SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है। SN2 मैकेनिज्म में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के रहते ही अटैक करता है। मीन्स यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, यहाँ पे इनफैक्ट लिविंग ग्रुप जैसे लीव करना शुरू करता है साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ट्रांसस्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब SN2 मैकेनिज्म के केस में होता क्या कि यहाँ जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज करोगे तो इस बार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास कैपेबिलिटी है H1 फॉर्म करने का, और न्यूक्लियोफाइल जनरली निगेटिवली चार्ज होता है। पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को ही स्टेबलाइज कर देता है। मीन्स इस बार न्यूक्लियोफाइल को ही हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल से एच बॉन्ड फॉर्म करके उसको सॉल्वेट कर देता है और स्टेबलाइज कर देता है, और इस तरीका से चारों तरफ से स्टेबलाइज करता है। सॉल्वेंट के मोलिकुल्स हमारे न्यूक्लियोफाइल को इस तरीका से अट्रैक्ट करता है जैसे लगता है कि न्यूक्लियोफाइल अरेस्ट हो गया, न्यूक्लियोफाइल को एक तरह से चारों तरफ से अरेस्ट कर लेता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 मैकेनिज्म का रेट शार्पली डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस सबस्ट्रेट पे, लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे, जिसके अटैक से ट्रांसस्टेट का फॉर्मेशन होगा, वो न्यूक्लियोफाइल ही अरेस्ट हो चुका है सॉल्वेंट मोलिकुल की वजह से। इस अरेस्टिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल का इस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पर अटैक करने का चांस शार्पली डिक्रीज हो जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म डिक्रीजेज। इसकी वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में SN2 मैकेनिज्म का रेट बहुत बहुत कम होता है। मीन्स हम लोग क्लियरली बोलेंगे कि हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है और SN2 मैकेनिज्म को डिप्रेस करता है। मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म लगभग नहीं होता है। अब जैसे ही हम लोग इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट के तौर पे मैं लिया हूँ, जैसे इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर से मैं स्विच करूँगा DMF में, यह एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट ये स्विच करूंगा ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। साइमल्टेनियसली इस रिएक्शन का जो रेट है वो 10^4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, फोर टाइम्स इंक्रीजेस, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? मींस पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एसेंट टू मैकेनिज्म का रेट हाईली इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? वही डीएमएफ की जगह पर डीएमएसओ लूंगा तो 10^9 टाइम्स बढ़ जाता है। अब इतना क्यों इंक्रीज होता है? तो उसके पीछे रीजन यह है कि जैसे ही हम लोग वाटर से डीएमएफ में शिफ्ट करते हैं, डीएमएफ हमारा ए प्रोटिक है, इसके पास एच बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो जैसे डीएमएफ में जाते हैं हम लोग, इन न्यूक्लियोफाइल का जो अरेस्टिंग है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू, वो अरेस्टिंग खत्म होता है। मीन्स न्यूक्लियोफाइल एक फ्री होता है, तो जैसे ही फ्री होता है तुरंत अटैक करता है हमारे सबस्ट्रेट पे और फटाफट ट्रांसेस्टेट फॉर्म करता है। ठीक कुछ वैसे ही जैसे कोई आदमी बहुत दिन से अगर बंधन में, प्रिजन में है, मान लो कोई एक जेल में बहुत दिन से बंद है, जैसे बाहर निकलता है एक चारों तरफ घूमना चाहता है, सबसे मिलना चाहता है, क्योंकि वो अरेस्टिंग से बाहर होता है, मीन्स एक बंधन से मुक्त होता है। सेम यहाँ भी होता है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से प्रोटिक में स्विच करते हैं, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल फ्री होता है और फटाफट अटैक करना शुरू करता है और इस तरीका से ट्रांसेस्टेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और फिर हमारे एसेंट टू मैकेनिज्म का रेट बढ़ जाता है और इस तरीका से हमारा एसेंट टू मैकेनिज्म का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो फाइनली यह हुआ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एसेन वन को सपोर्ट करेगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट एसेन टू मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा। क्लियर हो गया? अब तक प्राइमरीज और टर्शियरी पे तो क्लियर था कॉन्सेप्ट, हालांकि प्राइमरी में भी कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सेकेंडरी में मेन था सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। 2-डिग्री अल्काइल हैलाइड केस में अगर सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो मैकेनिज्म SN1 होगा, सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिक होगा और नॉन प्रोटिक होगा तो सॉल्वेंट तो मैकेनिज्म SN2 होगा। फिक्स हो गया? मींस इस तरीका से हम लोग पता कर लें कब मैकेनिज्म SN1 होगा, कब मैकेनिज्म SN2 होगा, राइट। अगर मींस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो मैकेनिज्म SN1 होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो मैकेनिज्म SN2 होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि SN1 SN2 किस तरीका से सब्सट्रेट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मैं बताया कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड केस में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड केस में मैकेनिज्म SN2 होता है नॉर्मली, लेकिन ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड में बेंजाइल कटायन जो बनेगा कार्बोकटायन वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे SN1 SN2 दोनों का चांस होता है। अगर हमारा सोल्यूशन 50% एक्वस एसीटोन है, एक्वस हमारा हुआ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन का मतलब हुआ ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो जी, एसीटोन अगर प्रेजेंट रहता है, ऐसे होता क्या है कि हमारा जो भी हैलोकेन होता है वो वाटर में पार्शियली सोलेबल होता है, लेकिन वो एसीटोन में कम्प्लीटली सोलेबल होता है, इसलिए एसीटोन सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर एक्वस एसीटोन यहाँ पर है तो यहाँ पर SN1 SN2 दोनों ही मैकेनिज्म होगा। 50% एक्वस एसीटोन अगर है सॉल्वेंट के तौर पे, तो इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड में SN1 SN2 दोनों ही पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने ओनली सॉल्वेंट लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ओनली अगर है, उस केस में मैकेनिज्म SN1 ओनली होगा। जैसे आपसे कहा जाए बेंजाइल क्लोराइड एक्वस एनोवे सिलेक्शन करेगा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली SN1 होगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा
और यहाँ पे कार्बोकटायन भी स्टेबलाइज होता है, इसके वजह से ये सिनेमन होगा। लेकिन अगर यह बाईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड है, मीन्स दो दो बेंजीनिगर लगा हुआ है या तीन तीन लगा हुआ है, तो इस केस में कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्टेडी हिंड्रेंस हाई होने की वजह से एसएन2 का चांस खत्म हो जाता है और एसएन1 का चांस बढ़ जाता है। और इस तरीका से इन दोनों के केसेस में हमारा एसएन1 मैकेनिज्म ओनली होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि यह हमारा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यह हमारा बेंजाइल क्लोराइड है, भी प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड है क्योंकि प्राइमरी कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, और इथाइल क्लोराइड है, ये भी प्राइमरी क्लोराइड है। तो जब भी प्राइमरी होता है उस केस में मैं बताया कि स्टेडी हिंड्रेंस डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता है क्योंकि लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और दो हाइड्रोजन की वजह से स्टेडी हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इन दोनों ही केसेस में एसएन2 का रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। दोनों में ऑलमोस्ट एसएन2 का रेट सेम होता है, उसके पीछे रीजन यह है कि स्टेडी हिंड्रेंस दोनों में लगभग बराबर है, हालांकि इसमें फिनाइल लगा हुआ है तो आपको लग रहा है मिथाइल के कंपेरिजन फिनाइल बड़ा ग्रुप है, ये राइट है, तो स्टेडी हिंड्रेंस यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन फिनाइल के पास माइनस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी बढ़ा देता है जिसकी वजह से एसएन2 का रेट बढ़ जाता है। तो फिनाइल के स्टेडी हिंड्रेंस से जितना रेट कम होता है इसके माइनस इफेक्ट की वजह से उतना रेट बढ़ जाता है, और इस तरीका से फिर हमारा बेंजाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों में ही एसएन2 का रेट लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस तरीका से हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं बताने जा रहा हूँ एसएन1 एसएन2 मैकेनिज्म में कि उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री ड्यूरिंग SN1 SN2 मैकेनिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री पहले SN1 में देखते हैं। इन SN1 मैकेनिज्म में होता क्या है कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, यह हमारा लिविंग ग्रुप है, फर्स्ट स्टेप में कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोकटायन फॉर्म होता है, और सेकेंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब ये जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ, इस कार्बोकटायन को मैं इस तरह से लिखता हूं, ये जो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, ये कार्बोकटायन के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास एक p ऑर्बिटल है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब हुआ कार्बन का एक p ऑर्बिटल आ जाएगा, या p ऑर्बिटल एम्प्टी है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। अब होता क्या है कि जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है SN1 मैकेनिज्म में, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास एक पी ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्री है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, यह न्यूक्लियोफाइल उस साइड से भी कनेक्ट हो सकता है हमारे कार्बन में जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, और ये न्यूक्लियोफाइल उस साइड से भी कनेक्ट हो सकता है हमारे लिविंग ग्रुप कनेक्ट कार्बन से जो जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा था उसके अपोजिट साइड से भी, मीन्स यहाँ बोथ साइड से न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो सकता है। और क्योंकि ये जो ऑर्बिटल हमारा खाली है कार्बन का, ए पी ऑर्बिटल, ये सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, इसके वजह से दोनों साइड से 50-50 चांस है, मीन्स SN1 मैकेनिज्म में जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा रहता है उस साइड भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो सकता है, और जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा रहता है उसके अपोजिट साइड भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो सकता है, मीन्स दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, और दोनों का 50-50% चांसेस है, दोनों का इक्वल चांस है। अब अगर लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन काइरल नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है, तो डजेंट मैटर, किसी भी साइड न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन एसिमेट्रिक है, काइरल है, तो उस केसेस में
राइट और लेफ्ट मीन्स लिविंग ग्रुप के साइड में और उसके अपोजिट साइड में कनेक्ट होने से दो अलग अलग इनांशिमर फॉर्म होगा, दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होगा और उस केस में देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा सबसेट ले रहा हूँ जिसका लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन एसिमेट्रिक और काइरल है, जैसे यहाँ पे आप देखो एक्स लगा हुआ है यहाँ पे। अब हमारा मैकेनिज्म अगर SN1 है, SN1 मैकेनिज्म है, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा OH- है, अगर SN1 मैकेनिज्म है इसका मीनिंग यह हुआ कि कार्बोनाइन फॉर्म होगा और इस कार्बन पे जहाँ पे लगा हुआ है हमारा लिविंग ग्रुप उस साइड से भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो सकता है और उसका अपोजिट से भी कनेक्ट हो सकता है। तो जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस साइड कनेक्ट होगा तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और उसके अपोजिट साइड कनेक्ट होगा तो जिधर हाइड्रोजन है उस साइड कनेक्ट होगा तो हाइड्रोजन उस साइड चला जाएगा। मींस दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। SN1 मैकेनिज्म होगा तो जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा उस साइड भी कनेक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल, उसके अपोजिट साइड भी कनेक्ट होगा। अब ये दोनों ही कंपाउंड जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है, देख लो आप दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, यहाँ मिरर रखोगे तो क्या एक दूसरे का कई मिरर इमेज है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसको उठा के उसके ऊपर रखोगे तो कवर अप नहीं करेगा। मीन्स दोनों कंपाउंड एक दूसरे का नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, मीन्स दोनों एक दूसरे का इनांशिमर हो गया। मीन्स हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गया जी, इनांशिमरिक पेयर हो गया। इनांशिमेरिक पेयर को हम लोग इक्विमोलर इनांशिमर्स को मिक्स करने को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। मींस इक्वल मोल मींस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांशिमर्स इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। इसलिए यहां पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। मींस SN1 मैकेनिज्म में रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई SN1 मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिमाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग रेसिमाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका मैं बताया हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा ये है H है, डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड में बताया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो, नंबर वन पे हैलोजन होगा एक नंबर, C2H5 दो नंबर या तीन नंबर होगा, 1, 2, 3 जाओ भाया 2, 1 से 3 भी जाओ, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे राइट की तरफ जा रहे हैं। अब अगर हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो यहाँ पे राइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो R होना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा H है इसलिए S हो जाएगा। मिसिस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S हो गया राइट। तो यहाँ पे आप देखो जिस साइड X लगा हुआ है उस साइड यहाँ पे OH लगा हुआ, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। यहाँ पे OH राइट लेफ्ट में लग गया तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा। मींस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन भी हो रहा है, रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन भी हो रहा है, इन्वर्सन भी हो रहा है। मीन्स कॉन्फ़िगरेशन उल्टा भी हो रहा है और कॉन्फ़िगरेशन सेम भी रह जा रहा है, दोनों हो रहा है। तो हमारा SN1 मैकेनिज्म रेसिमाइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन भी होता है और कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन भी होता है। लेकिन ये 100% रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं होता है, सॉल्वेंट अलग अलग ले रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्वर्सन ज़्यादा हो जाता है और इसके वजह से उस केसेस में 100% रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं होता है। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म ऑलवेज होगा, जब भी SN1 मैकेनिज्म होगा रेसिमिक मिक्सचर हमेशा फॉर्म होगा। तो ये हमारा हुआ SN1 मैकेनिज्म का स्टीरियो केमिस्ट्री। अब SN2 का देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है,
और ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली होता है ये कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। अब जैसे ही लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करना शुरू करता है, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। अब लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा तो रेस मेटल निगेटिव आएगा, कार्बन मेटल पॉजिटिव आता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन से कनेक्ट होने लगता है। मीन्स यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। एक मोमेंट आएगा जब बॉन्ड 50% ब्रोकन होगा, 50% फॉर्म्ड होगा। अब इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। अब आप गौर से देखो, पहले इसको देख लेते हैं। एक मोमेंट आया जिसमें 50% बॉन्ड ब्रोकन होगा, 50% बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, तो उसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट हमारा यह होगा। अब सबसे पहला चीज है जो एग्जाम में आता है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो चेक करते हैं। यहां पे लिविंग ग्रुप ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो लिविंग ग्रुप जिस ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म किया होगा, ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल होगा, ये sp3 ऑर्बिटल है। इसका एक लोब बड़ा सा है जिस लोब से लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है, और ये छोटा लोब है, ये स्मॉलर लोब। अब न्यूक्लियोफाइल इनिशियली इसी स्मॉलर लोब से अट्रैक्ट होता है। जैसे जैसे कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है, वैसे वैसे ये sp3 का बड़ा लोब श्रिंक करता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, वैसे वैसे छोटा लोब बढ़ते जाता है। मीन्स ये छोटा लोब बढ़ स्वेलप हो रहा है और बड़ा लोब जो श्रिंक कर रहा है। जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वैसे वैसे ये लोब छोटा हो रहा है। जैसे जैसे कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये लोब बड़ा हो रहा है। मीन्स ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। एक मोमेंट आएगा जब यह 50% ब्रोकन होगा, 50% फॉर्म्ड होगा, तो जो हमारा ऑर्बिटल है दोनों साइड इसका लोब सिमेट्रिकल हो जाएगा। मीन्स जितना बड़ा इस साइड रहेगा उतना ही बड़ा इस साइड होगा। मीन्स इन ट्रांजिशन स्टेट ऑर्बिटल थ्रू विच लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर कनेक्टेड इज सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर। ये सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल क्या होता है जी? ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया। और टेक्निकली आप सब जानते हो कि अगर कार्बन के पास 1p ऑर्बिटल है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई। अब स्टीरियो केमिस्ट्री पे आते हैं। यहां पे तो क्लियरली है जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस साइड न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट नहीं होगा, ऑलवेज उसके अपोजिट साइड कनेक्ट होगा। इसलिए यहां पे कॉन्फिगरेशन ऑलवेज क्या होगा जी? इन्वर्ट होगा। कॉन्फिगरेशन का हमेशा इन्वर्सन होगा। अगर लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन काइरल होगा और एसिमेट्रिक होगा तो कॉन्फिगरेशन का इन्वर्सन होगा। लेकिन लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन अगर काइरल नहीं है जैसे यहां पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री होगा ही नहीं कुछ। लेकिन अगर लिविंग कनेक्टेड कार्बन काइरल है तो स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, और स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका कॉन्फिगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फिगरेशन के क्या होगा? उल्टा होगा, राइट? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, HBr, अब यहाँ पे OH- है। अगर मैकेनिज्म यहाँ पे SN2 हो रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि जिस साइड लगा हुआ है Br उसके अपोजिट साइड कनेक्ट होगा, OH फिक्स है। इसलिए यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट यही फॉर्म होगा। इधर लग जाएगा OH, ये हो गया HBr- होगा, बाहर हो गया। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन का 100% इन्वर्सन होगा। अगर इसका कॉन्फिगरेशन देखते हैं, ये हमारा ग्रुप सुपीरियर मोस्ट 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 है, तो 1, 2, 3 जाएंगे। 1 से 3 भाया 2, 2 होते हुए इस बार हम राइट की तरफ नहीं जा रहे हैं, और हमारा एच हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर एच होगा तो राइट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हमारा क्या एस होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल पे है तो उसका उल्टा हो जाएगा। एस के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। मीन्स इसका कॉन्फिगरेशन आर हो गया तो इसका कन्वर्जन क्या होगा? एस होगा। मींस यहाँ पे कॉन्फिगरेशन का 100% इन्वर्सन होता है। मींस 100% इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, 100% इन्वर्सन
ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे कॉन्फिग्रेशन का 100% इन्वर्सन होता हो उसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्सन, वाल्डन इन्वर्सन। इसलिए एसएन टू मैकेनिज्म को वाल्डन इन्वर्सन भी कहा जाता है। यहां पे ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे एसएन टू मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगा और ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। लेकिन एसएन वन मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इनांशमेरिक पेयर फॉर्म होगा, मीन्स वहां पे इन्वर्सन भी होगा और कॉन्फिग्रेशन का रिटेंशन भी होगा, लेकिन यहाँ पे ओनली इन्वर्सन होगा, राइट। तो दिस इज एस्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एसएन वन एंड एसएन टू मैकेनिज्म। अब अगला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एसएन वन मैकेनिज्म होगा कि एसएन टू मैकेनिज्म होगा इसको डिसाइड करने के लिए न्यूक्लियोफाइल का भी स्ट्रेंथ काफी मायने रखता है। अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो मैकेनिज्म एसएन टू होगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल वेट करता है कि लिविंग ग्रुप लीव करे, कार्ब कटायन का फॉर्मेशन हो, तब जाकर उस पर अटैक करे। लेकिन अगर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो लिविंग ग्रुप के लीव करने का वेट नहीं करता है, वो लिविंग ग्रुप के रहते ही फटाफट कार्बन पर अटैक करता है, लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे, और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एसएन टू मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल एसएन वन मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा। यही वजह है कि अगर हमारा सबस्ट्रेट है या सेकेंडरी अगर हैलोकेन है तो उस केस में अगर हम लोग बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आर आर डैश या प्राइमरी केस में भी, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आप H2O लेते हो सॉल्वेंट के तौर पे तो यह एसएन वन मैकेनिज्म शो करेगा। लेकिन अगर OH- लेते हो ये स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल है तो एसएन टू मैकेनिज्म में शो करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्गर है तो मैकेनिज्म एसएन टू होगा, वेट नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल अगर वीकर है तो मैकेनिज्म एसएन वन होगा। अब यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ की थोड़ा बात कर लूँ कि न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो जी, जितने भी हमारे न्यूक्लियोफाइल है ऑल न्यूक्लियोफाइल बेस होता है और ऑल बेस न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि बेस का भी काम वही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करना, और न्यूक्लियोफाइल का भी काम वही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करना। लेकिन हमारा बेस नॉर्मली H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली हमारा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। H+ में हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, इसलिए H+ का चार्ज डेंसिटी वेरी हाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन पे भी पॉजिटिव रहता है। अब H+ का चार्ज डेंसिटी वेरी हाई होने की वजह से बेस इजिली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और यहाँ यह कहो कि H+ बेस के इलेक्ट्रॉन को इजिली अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना रहता है, जहाँ पे कार्बन का चार्ज डेंसिटी वेरी हाई नहीं रहता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट तब करेगा जब न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से क्या हो, लूजली अट्रैक्टेड हो। इसलिए हमारा बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में थोड़ा फर्क होता है। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस एंड ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल, बट ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मे बी वीकर बेस एंड ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मे बी ए स्ट्रॉन्गर बेस। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक बेस भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो कैसे क्या होगा। किसी भी ग्रुप में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मैं ट्रेंड बता दूँ, इन एनी पीरियड किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी घटता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। जैसे सेकंड पीरियड में चलते हैं, कार्बन के बाद हमारा क्या आएगा, नाइट्रोजन के बाद आएगा हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा फ्लोरीन,
तो आप देखो लेफ्ट राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी घटता है, इसलिए बेसिक एसिड डिक्रीज होता है। किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ये जनरल ट्रेंड है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। पीरियड में न्यूक्लियोफिसिटी भी डिक्रीज होता है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिसिटी दोनों पैरेलली रन करता है, मींस दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। इसलिए यहाँ पे कार्बन, क्योंकि यहाँ पे हमारे एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए पीरियड में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। इसलिए जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी घटेगा, तो बेसिक नेचर हो या न्यूक्लियोफिलिसिटी हो दोनों ही डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी सिटी डिक्रीजेज, ये भी डिक्रीज होगा। यही वजह है कि हमारा CH3- बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इससे वीक होता है NH2-, इससे वीक होता है OH-, इससे वीक होता है F-, राइट। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ही ऑर्डर है। ये हमारा पीरियड में हुआ, लेकिन ग्रुप में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मे बी स्ट्रॉन्गर बेस। पीरियड में न्यूक्लियोफिसिटी और बेसिसिटी पैरेलली रन करता है, इसलिए पीरियड में जो स्ट्रॉन्गर बेस है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी है, मीन CH3- एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी है और CH3- स्ट्रॉन्गर बेस भी है। लेकिन इन ग्रुप, लेकिन किसी भी ग्रुप में बेसिसिटी ऊपर से नीचे, बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे घटता है, इन एनी ग्रुप कोई भी ग्रुप ले लो, F- हो, Cl- हो, Br- हो, I- हो, ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। दूसरा कोई भी ग्रुप ले लो, H2O हो, H2S हो, H2SE हो, ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, बेसिक डिक्रीज होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। NH3 है, PH3 है, ASH3 है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे। लेकिन न्यूक्लियोफिसिटी इंक्रीज होता है, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आओगे न्यूक्लियोफिसिटी बढ़ता है। ऐसा क्यों जी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। बेसिक स्ट्रेंथ इसलिए घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन बाई साइज, इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है कहीं भी सभी ग्रुप में। लेकिन न्यूक्लियोफिसिटी बढ़ता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का, वैसे वैसे एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंट होते जाता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करना, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना कार्बन के लिए आसान हो जाता है और फिर न्यूक्लियोफिसिटी बढ़ने लगता है। तो न्यूक्लियोफिसिटी जैसे जैसे ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे पोलराइजिबिलिटी के साथ बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंट होता जाता है वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करना, कार्बन को अपने तरफ शिफ्ट करना, अपने तरफ खींचना आसान होता जाता है और उस तरीका से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता जाता है। तो ग्रुप में न्यूक्लियोफिसिटी बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले न्यूक्लियोफाइल का पोलराइजिबिलिटी बढ़ता है, राइट। तो ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा और यहीं पे हमारा न्यूक्लियोफिसिटी बेसिसिटी से डिफर कर जाता है। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे न्यूक्लियोफिसिटी बढ़ेगा, इसलिए माइनस से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल Cl- उससे बड़ा, Br- उससे बड़ा, I- होता है और यहाँ मैं ट्रेंड वही लिखा हूँ आप देख रहे हो, राइट। H2O से बड़ा H2S होगा, H2S से बड़ा न्यूक्लियोफाइल हमारा H2SE होगा, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल PH3 होगा, PH3 से बड़ा ASH3 होगा और इस तरीका से न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में बढ़ेगा
जबकि बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। ओके, अब अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है तो मैकेनिज्म हमेशा SN2 होगा, मींस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक SH- OH- I- ई सब के साथ CN- SCN- ई सब के साथ ऑलवेज मैकेनिज्म SN2 होता है। याद रखिए, पुअर न्यूक्लियोफाइल कोई भी किसी भी न्यूक्लियोफाइल का एनायनिक फॉर्म जो होता है अपने न्यूट्रल फॉर्म से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब H2O से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा OH-, H2S से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा SH-, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा NH2-, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जो एनायनिक फॉर्म होता है न्यूट्रल फॉर्म से स्ट्रॉन्गर होता है। इस तरीका से इस सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ मैकेनिज्म SN2 होगा। पुअर न्यूक्लियोफाइल अगर आप तुम्हारा है, जैसे वाटर है, आपका H2S है या आपका अल्कोहल है, इस सब के साथ मैकेनिज्म आपका SN1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीका से स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल में, इस न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है मैकेनिज्म, और आप उस बेसिस पे आंसर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 का सपोर्ट करता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल SN1 का सपोर्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसमें ये एक जनरल ऑर्डर है न्यूक्लियोफाइल का, आप इसको याद रखना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है जो इस पे बेस्ड रहता है, आप इस जनरल ट्रेंड को आप याद रख सकते हो। अगर इस तरीका से मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल, अगर आप OH- है आपका न्यूक्लियोफाइल, सल्फोनिक ग्रुप है SO3-, कार्बोक्सिलेट है H2O है, इस तरह के हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इनको अरेंज करो, क्या होगा इनका ऑर्डर, तो देखो जी इसमें हमारा सब के सब एनायन है, तो एनायन जो सब में एक्टिव एटम ऑक्सीजन है, तो जितने भी एनायन हैं वह हमारे न्यूट्रल से स्ट्रॉन्गर होगा, तो H2O से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल सब होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, H2O से स्ट्रॉन्गर होगा। अब इसमें OH- में डायरेक्टली ऑक्सीजन O- है, यहां पे जो कार्बोक्सिलेट में है इसमें इस तरह का सिचुएशन है CH3C(O)-, में से जो O- इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो रेजोनेंस भी कर रहा है, जिसकी वजह से O- को डोनेशन का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो OH- का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा OH- का होगा, इससे कम इसका होगा। अब इनका देखिए, इसमें CH3 ऐसे सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है O-, इसमें O- जिस सल्फर से लगा हुआ है, सल्फर दो दो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा पुल करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा, इससे भी हो तो उससे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका होगा। और सबसे कम वाटर का होगा क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। तो इस तरीका से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब एक्टिव एटम हमारा सेम रहता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलली रन करता है, जैसे हमारा CH3O- है, हमारा PHO- है, हमारा कार्बोक्सिलेट माइनस है, हमारा NO3- है, इस सब में कंपैरिजन कर सकते हो। इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है पहले, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो सबके कंजुगेट एसिड लिख दो, इसका होगा मेथनॉल, इसका होगा फिनॉल, इसका होगा एसिटिक एसिड, इसका होगा नाइट्रिक एसिड, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है तो सबसे वीक यह हुआ, तो कंजुगेट बेस सबसे वीक हुआ तो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल भी हुआ यह,
इससे स्ट्रॉन्गर एसिड हमारा, इससे वीक मतलब सबसे वीक स्ट्रॉन्ग यह हुआ, तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा सबसे वीक बेस होगा, वीक बेस भी होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा यहाँ पे, क्योंकि सबके एक्टिव एटम सेम है। अब एसिटिक एसिड हमारा है, इसका एसिडिकेशन फिनॉल से ज़्यादा होता है लेकिन इससे कम होता है, तो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल हमारा नाइट्रेट होगा, इससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यह होगा CO माइनस, इससे कम एसिडिक फिनॉल होता है, सबसे कम एसिडिक मेथनॉल होता है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, मिथॉक्साइड का, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उसका जस्ट अपोजिट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसे कंजुगेट बेस का, क्योंकि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग इसमें, तो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ HNO3, एसिडिक स्ट्रेंथ उससे कम होगा एसिटिक एसिड, उससे कम हुआ हमारा फिनॉल, उससे कम हुआ हमारा मेथनॉल। तो जो एसिटिक एसिड का ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट उनके कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ नाइट्रेट का बेसिक सबसे कम, इससे ज़्यादा एसीटेट आयन का, इससे ज़्यादा फिनोक्साइड आयन का, सबसे ज़्यादा मिथोक्साइड आयन का, राइट। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि सबका एक्टिव एटम ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, राइट। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे भी है, अगर एक्टिव एटम सेम होगा और स्टेडी हिंड्रेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटने लगता है। जैसे हमारा ये है CH3 CH2O माइनस, हमारा है CH3CH3O माइनस, हमारा है CH3CH3O माइनस, सब में तो एक्टिव एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे होता क्या कि साइज बढ़ने की वजह से स्टेडी हिंड्रेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को जाके कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी घटने लगता है। और स्टेडी हिंड्रेंस की वजह से अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका होगा, इससे कम इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा हमारे न्यूक्लियोफाइल का उसको कनेक्ट होने में उतना प्रॉब्लम होगा। तो एक्टिव एटम सेम रहने पे भी अगर बीटा अगर अल्फा कार्बन पे स्टेडी हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीका से न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे भी मैकेनिज्म SN1 SN2 डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो जी, मैकेनिज्म SN1 हो SN2 हो, लिविंग ग्रुप दोनों ही केसेस में लिव करता है, इसलिए एक बेटर लिविंग ग्रुप SN1 SN2 दोनों ही मैकेनिज्म के रेट को इंक्रीज करता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप लिव तो दोनों में ही करता है, इसलिए एक बेटर लिविंग ग्रुप SN1 SN2 दोनों ही मैकेनिज्म का रेट को इफेक्ट करता है। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। अब लिविंग ग्रुप को कैसे पता करेंगे कि लिविंग टेंडेंसी किस पर डिपेंड करता है, तो लिविंग ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, लिविंग टेंडेंसी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो है वो होता है हमारा कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड का, कार्बन लिविंग ग्रुप जो बॉन्ड है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के साइज पे डिपेंड करता है। मींस पहला फैक्टर तो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट लिविंग ग्रुप, मींस लिविंग ग्रुप के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा लिविंग ग्रुप उतना इजीली इस बॉन्ड को ब्रेक करके जाएगा। मींस लिविंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। सेकंड, साइज ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो जी,
लिविंग ग्रुप को बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके लिफ्ट करना है, तो लिविंग ग्रुप का साइज इतना बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना बड़ा होगा, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजियर होगा। इसलिए लिविंग ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप के पास जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी होगा उतना ज़्यादा होगा, लिविंग ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा होगा। मीन्स ओवरऑल हमारे लिविंग ग्रुप को यहाँ से लीव करना है, और लीव करके वो एनायन के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसलिए जिस लिविंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा, जो लिविंग ग्रुप जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन लेकर लीव करेगा उसका लिविंग टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, लिविंग ग्रुप के लिविंग टेंडेंसी का ग्रुप में, जैसे मान हैलोजन है, फ्लोरिन है, क्लोरिन है, ब्रोमिन है, आयोडीन है, तो ग्रुप में डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है हमारा साइज, क्योंकि लिविंग ग्रुप का जो दो टेंडेंसी जिस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी उसको कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दूसरा फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है साइज पे। तो ग्रुप में जो हमारे लिविंग ग्रुप हैं, ग्रुप में उनका साइज ही डिसाइड करता है लिविंग टेंडेंसी। जैसे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन का साइज ऊपर से बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो ईजिली बॉन्ड ब्रेक करके जा सकते हैं। इसलिए इनका लिविंग टेंडेंसी, किसी भी ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ता है। मीन्स लिविंग टेंडेंसी इंक्रीजेज। अब यही वजह है कि RF, RCL, RBR या RI में मैकेनिज्म SN1 हो या SN2 हो, दोनों ही का रेट लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप जैसे जैसे आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्डिवीजन रेट ज़्यादा होगा। मीन्स SN1 SN2 दोनों का रेट इंक्रीज होगा, दोनों के रेट का ऑर्डर होगा, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप SN1 SN2 दोनों के रेट को इंक्रीज करता है और इक्वली इफेक्ट करता है। तो ग्रुप में लिविंग टेंडेंसी साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन अगर सभी एटम के साइज लगभग बराबर हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिसाइड करता है। तो एक पॉइंट डायरेक्टली मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लिविंग ग्रुप जो हमारा होता है उसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, तो जो लिविंग ग्रुप जितना बेटर लेविस एसिड होगा वो उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और जो बेटर लेविस एसिड होगा वो पुअर लेविस बेस होगा। बेस को इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है और लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। तो एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लिविंग टेंडेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, और लिविंग टेंडेंसी बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एसिडी के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। कई बार हमारे एग्जाम में मोर देन वन लिविंग ग्रुप दे देता है और पूछता है बताइए कि लिविंग ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या है। तो लिविंग ग्रुप का लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या है, तो उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे हमसे पूछा जा सकता है ROH, RNS2, RCL, RBR, RO, एंड आर, ये दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्डिवीजन का रेट बताओ। मीन्स SN1 और SN2 किसी का भी रेट हमसे पूछा जाए कि इसका रेट क्या होगा, तो यहाँ पे तो R सब में सेम है, तो यहाँ पे लिविंग टेंडेंसी लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि ऑर्डर क्या होगा। तो जो लिविंग ग्रुप का यहाँ पे ऑर्डर होगा वही हमारे SN1 SN2 का रेट का ऑर्डर होगा, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप दोनों के रेट को बढ़ाता है। तो हमें पता करना है कि OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, एसीटेट माइनस, एसीटेट आयन एंड फिनोक्साइड आयन के लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या है। तभी मैं बताया हूँ
कि इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा लिविंग टेंडेंसी का। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो कई बार जब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिफाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाए, मुश्किल हो जाए, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, तो ऐसे केसेस में सभी बेस के कंजुगेट एसिड को राइट करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लेते हैं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो चलो सबका हम लोग कंजुगेट एसिड लिखते हैं, तो इसका हुआ वाटर, इसका हुआ अमोनिया, इसका हुआ HCl, इसका हुआ HBr, इसका हुआ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये हुआ हमारा फिनोल। अब हमें पता है एसिटिक एसिड का ऑर्डर, HBr सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इसमें, उससे कम HCl होगा, उससे कम एसिटिक एसिड होगा क्योंकि वो एसिड है, उससे कम फिनोल होगा, उससे कम वाटर होगा, सबसे कम हमारा अमोनिया होगा। तो जो एक कंजुगेट एसिड का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, मींस Br- माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा Cl- माइनस होगा, इससे ज़्यादा हमारा एसिटेट आयन होगा, इससे ज़्यादा हमारा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पुअर बेस होता है, वो माइनस होगा, इससे ज़्यादा OH- माइनस होगा, इससे ज़्यादा NH2- माइनस होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो Br माने सबसे ज्यादा, उससे कम Cl माने उससे कम एसिटेट एनायन, उससे कम फिनोक्साइड आयन, उससे कम OH माइनस, सबसे कम NH2 माइनस। तो आप बोलोगे इतना सारा करना पड़ेगा, तो नहीं, याद रखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर लिविंग टेंडेंसी का भी होगा। सबसे ज्यादा HBr है एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा HBr का है तो Br माइनस का लिविंग टेंडेंसी हाईएस्ट होगा, सबसे कम अमोनिया का एसिडिक स्ट्रेंथ है तो NH2 माइनस का लिविंग टेंडेंसी क्या होगा, लोएस्ट होगा। ओके, तो इस तरीका से आप डिसाइड कर सकते हो और ऑर्डर रेट बता सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सबडिविजन का, मीन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सबडिविजन का रेट RBr में होगा, उससे कम RCl में होगा, एक नंबर में यह होगा, दो नंबर में यह होगा, उससे कम एसिटेट आयन में होगा, यह तीन नंबर में होगा, उससे कम हमारा फिनोक्साइड में चार नंबर में यह होगा रेट इसका, फिर उससे कम हमारा अल्कोहल में होगा पाँच नंबर में, सबसे कम हमारा एमीन में होगा छः नंबर में। तो इस तरीका से आप रेट ऑफ SN1 SN2 मैकेनिज्म इस न्यूक्लियोफिलिक सबडिविजन रेट को निकाल सकते हो। ओके, लिविंग टेंडेंसी के बहुत सारे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है जो आप याद रख सकते हो, कितने को याद रखोगे, एक बात आप याद रखना कि दुनिया में N2 माइनस जो हमारा है, N2 प्लस इसको बोलते हैं डाइओजोनियम कटायन, सबसे स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप है N2 प्लस में, क्योंकि जब भी N2 प्लस रहता है लिविंग ग्रुप के तौर पे, तुरंत बॉन्ड ब्रेक करके जब जाता है लीव करता है तो ये नाइट्रोजन गैस बन जाता है जो हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। इसी वजह है कि N2 प्लस का लिविंग टेंडेंसी दुनिया में हाईएस्ट होता है। ओके, थैंक यू। तो इस तरीका से ये दोनों वीडियो मिला करके पूरा न्यूक्लियोफिलिक सबडिविजन कवर हो गया। आप इसके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो, जेई मेन के या नीट का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को कंप्लीट बना सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को बताइए और देखते रहिए। अगला मेरा वीडियो जो होगा इसके बाद, उस वीडियो में पढ़ाऊंगा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ और उसके बाद वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिकलाइज्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म होगा, और उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, फिर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इस पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सब आपसे डिस्कस करूंगा। आप मुझे देखते रहिए। ओके, थैंक यू।